नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। फिलिस्तीन और इसराइल का युद्ध खतरनाक मोड़ ले चुका है। हमास के बारे में कहा जा रहा है कि उसे दुनिया की कई बड़ी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं और इसके पीछे मकसद है इसराइल को नुकसान पहुंचाना। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऐलान के बाद अभी तक अपने सैकड़ों लोगों को इस जंग में गंवा चुका इसराइल अब गाजा पट्टी को तहस नहस करके अपना इंतकाम लेने में लगा हुआ है। इसराइल की तरफ से गाजा पर बमबारी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच फिलिस्तीन ने यह आरोप लगाया कि इसराइल उसकी घनी आबादी वाले इलाकों पर प्रतिबंधित फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर फॉस्फोरस बम गिरा रहा है। यहां तक कि उसने इसराइल को वॉर क्रिमिनल यानी कि युद्ध अपराधी तक कह दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह फॉस्फोरस बम आखिर क्या होता है जिसके इस्तेमाल का आरोप फिलिस्तीन ने इसराइल के ऊपर लगाया। असल में व्हाइट फॉस्फोरस बम सफ़ेद फॉस्फोरस और रबड़ को मिलाकर के तैयार किया जाता है। फॉस्फोरस एक मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला या रंगहीन होता है। इससे बिल्कुल एकदम सड़े हुए लहसुन जैसी तेज़ गंध आती है और इस रासायनिक पदार्थ की खूबी ये है कि ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर ये पानी से भी बुझाया नहीं जा सकता। यही बात इसे बेहद ख़तरनाक बनाती है। ऑक्सीजन के लिए रिएक्टिव होने की वजह से ये जहाँ भी गिरता है उस जगह की सारी ऑक्सीजन तेजी से सोख लेता है और ऐसे में जो लोग इसकी आग से नहीं जलते वो दम घुटने से मर जाते हैं। ये तब तक जलता रहता है जब तक कि पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। यहाँ तक कि पानी डालने पर भी ये आसानी से बुझता नहीं है बल्कि धुएं का गुबार बनाते हुए और ज़्यादा भड़क जाता है। फॉस्फोरस बम चूँकि 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है, इसलिए ये आग से कहीं ज़्यादा जलन और ज़ख्म पैदा करता है। यहाँ तक कि ये हड्डियों तक को गलाने की क्षमता रखता है। कुल मिलाकर के इसके संपर्क में आने पर इंसान अगर जिंदा बच भी जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता, वो लगातार गंभीर संक्रमण का शिकार होता रहेगा और उम्र उसकी अपने आप कम हो जाएगी। कई बार ये त्वचा से होते हुए खून में भी पहुंच जाता है और इससे हार्ट, लीवर और किडनी सभी अंगों को नुकसान पहुंचता है और मरीज में मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो सकता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी इस बम का खूब इस्तेमाल किया गया था। खास तौर पर अमेरिकी सेना ने जर्मनी के खिलाफ इस बम को गिराया था। आरोप तो यहाँ तक हैं कि उसने सेना के अलावा जानबूझकर रिहायशी इलाकों पर भी व्हाइट फॉस्फोरस की बमबारी शुरू कर दी थी ताकि देश पर दबाव बनाया जा सके। इस बम के खतरों को देखते हुए साल 1980 में जेनेवा कन्वेंशन में व्हाइट फॉस्फोरस को लगभग प्रतिबंधित किया गया था। यहाँ पर लगभग प्रतिबंधित का मतलब समझिए, यानी कि कुछ खास वजहों जगहों पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन के तहत जो प्रोटोकॉल बनाया गया उसमें इसके कम से कम इस्तेमाल की बात मानते हुए 115 देशों ने उस पर दस्तखत किए थे और ये तय किया गया था कि अगर इस बम का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों पर हुआ तो इसे फिर केमिकल अटैक माना जाएगा और देश पर वॉर क्राइम के तहत एक्शन लिया जा सकता है। इसके बाद भी अमेरिकी सेना पर इस बम के गैर ज़रूरी इस्तेमाल का आरोप कई बार लगता रहा। कहा तो यहाँ तक भी गया कि अमेरिका चूंकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, इसलिए जानते हुए भी प्रोटोकॉल में कई कमियाँ छोड़ दी गईं ताकि वो बेझिझक बम अटैक कर सके। तो ये थी उस बेहद ख़तरनाक फॉस्फोरस बम से जुड़ी जानकारी जिसके इस्तेमाल का आरोप फिलिस्तीन ने इसराइल पर लगाया है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।